हमने कि लाइन में जब भी कोई डाट वाट होती है तो हमारे क्या फ्लोराइड की समस्या ज़्यादा, हमारे यहाँ पे हार्ड पानी है तो उसमें तो काफ़ी समस्या आती है। तो वहाँ पे एंड कैप को खोलकर लाइन का हम सीधा सफाई इसका चेक कर सकते हैं। और इसलिए ही दोस्तों हमने यहाँ पे लॉन्ग बेंड यूज़ किया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें तीन मुँह होते हैं, जिसमें एक में तो हमने बेसिन का पाइप लगा लिया। अगर दोस्तों पास वाले टॉयलेट में अगर इंग्लिश का होता तो एक लाइन उससे वहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पर अगर वॉशिंग मशीन होता है दोस्तों इस साइड में तो यहाँ से भी एक लाइन इसमें जोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर शाल पर। दोस्तों हमने यहाँ पे पानी का सीपी फिटिंग किया बाथरूम में और टॉयलेट में, अपने यहाँ पे बाथरूम की साइड में वॉश बेसिन का पॉइंट छोड़ दिया है, और इधर अपना टॉयलेट का लाइन है, ये देख सकते हैं किस तरह से अपना ये पीछे पाइप लगता है सीट के पीछे, हिंदी डब्ल्यू सी के पीछे, आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से सीट फिटिंग होता है, उसका पूरा डिटेल से वीडियो बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों ये डब्बे के लिए पॉइंट बन चुका है, और यहाँ पे अपना हैंड ये सिस्टम के लिए है, और अपना एक इंच का लाइन यहाँ से आया है। तो दोस्तों मैं डिटेल से बताऊँ, दोस्तों अगर आपका हाइट कम होता है बाथरूम का, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाइट बहुत ही कम है, यहाँ पे टैंक रखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों हमने ऊपर पानी का एक इंच का लाइन लिया है, वो दोस्तों पानी का प्रेशर अच्छा बना रहे इसलिए हमने लिया है। तो इसका पूरा वीडियो में अभी पानी टैंक है वो रखने वाले हैं, वो पानी का टैंक रखने वाले हैं, उसके बाद में पूरा डिटेल से दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पे एक इंच का लाइन दिया है, यहाँ पे हमने टी लगा दिया, टी से दोस्तों एक साइड में हमने डब्बे के लिए पॉइंट दे दिया है, और यहाँ पे एक ने सिस्टम के लिए दे दिया है। और दोस्तों हमने यहाँ पे एक इंच का टी अपना ये रेडूसर ब्रश टी लगाया हमने, अब जैसे इधर ब्रश एल्बो है एक इंच का, एक पौना का, एक आधा का सॉरी, जिससे वो एक इंच का लाइन है और आधा इंच का अपना बुन गया है। दोस्तों यहाँ पे हमने सीट फिटिंग कर दिया है, पीछे दोस्तों हमने यहाँ पे ब्रेक वाशर लगा दिया है, इसे कंधे से बंद कर दिया है, यहाँ पे एल्बो लगा दिया, यहाँ पे 45 लगाए ताकि अगर एल्बो लगाएंगे दोस्तों तो फिर से लाइन में तीन एल्बो हो जाएंगे तो पानी का प्रेशर इसका प्रेशर टूट जाएगा, तो इसलिए हमने 45 लगाया, यहाँ पे 45 लगेगा। और इसका ऊपर आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से सिस्टम लगने वाला है। दूसरा दोस्तों हमने यहाँ पे दो लाइन दिए है, अब मैं आपको अंदर बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमने टी लगाए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक इंच का लाइन दिया, ये गीजर के लिए दिया दोस्तों ताकि गीजर में पानी का प्रेशर वो अच्छा प्रेशर से जाए। और यहाँ पे हमने पौना इंच का आउट के लिए पौना इंच का दिया है, ये देखिए इसमें दोस्तों हमने लॉन्ग बेंड यूज़ किया है, ये लॉन्ग बेंड आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों हमने गीजर में आउट के लिए पौना इंच का ही क्यों काम में लेते, क्योंकि दोस्तों जो गीजर होता है उसमें जो पानी का आउट होता है वो आधा इंच की लाइन में होता है, उससे भी कम में होता है, तो यहाँ पे हमने पौना इंच का दिया है, इससे कोई एक इंच का ना लगाएं, पौना इंच का लगाएं। अगर एक इंच का अगर लगा देते हैं आउट के अंदर तो दोस्तों आपका पानी है वो रुक रुक के आएगा। यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग में लगाएं क्योंकि पानी का जो प्रेशर वो अच्छा देते हैं, वो दोस्तों ऊपर से जैसे पानी आएगा यहाँ से तो यहाँ पे राउंड घूम जाएगा और पानी का प्रेशर अच्छा मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों हमने टी से आगे लिए तो यहाँ पे टी लगा दिया है, एक इंच का लाइन लिया है, यहाँ पे टी लगा के रेडूसर हमने एल्बो लगा दिया है, वो दोस्तों अपने ठंडे कोल्ड वाटर के लिए लगा दिए, ये अपना हॉट वाटर उसका, उसमें आगे दोस्तों बुश लगा दिए, यहाँ पे ये बुश लगा हुआ है, उसके आगे दोस्तों हमने ब्रश एम टी लगाए पौना इंच का, ये अपना कंट्रोल वाला है पौना इंच का, आप देख सकते हैं ऊपर दोस्तों देखते हैं ये शावर के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिया है। दोस्तों इसके जो पॉइंट का हाइट है हमने अभी कच्चा फ्रेश है तो उसका मैं नब्ती बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों अपने जो पॉइंट होते हैं हम यहाँ पे इन पर 32 से और 35 के अंदर अंदर लेते हैं, तो अभी मैं आपको फर्श नफ्ती करके बताने वाला हूँ कितना होगा ये। दोस्तों 3 इंच तो अपना फर्श आएगा, आप देखते थे ये हमने यहाँ पे इंची टेप रखा है, यहाँ पे देख सकते हो 37 इंच है, तो दोस्तों इसमें 3 इंच हम कम कर देंगे तो ये 34 इंच आ जाएगा, तो अपने पॉइंट 34 इंच है, और इन दोनों के बीच में दोस्तों फर्क देख सकते हैं डिफरेंस कितना है, 6 इंच का इसमें फर्क है। और दोस्तों ये हमने ऊपर कंट्रोल वाला लगा दिया, दोस्तों अब शावर के लिए कंट्रोल वाला लगाएंगे तो उसमें अच्छा प्रेशर आएगा, अभी हम पानी का टैंक रख के और ये अपना टैंक यहीं पर रखा जाएगा तो उसमें कितना अच्छा प्रेशर आएगा वो इसी में आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमने आगे लाइन लिया वॉश बेसिन के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने 1 इंच का लाइन दिया, तो दोस्तों इसमें भी हमने लॉन्ग बेंड यूज़ किया है, ये देख सकते हैं आप ये लॉन्ग बैंड है 1 इंच का जिसका इलेक्ट्रिक बैंड आता है, और यहाँ पे एक ब्रश टी लगा दिया वॉश बेसिन के लिए, और ये एक्स्ट्रा बाहर की साइड में हाथ धोने के लिए कपड़े वपड़े धोने के लिए हमने एक पॉइंट छोड़ दिया एक्स्ट्रा उसके लिए, ऐसा कहा दोस्तों। और आगे दोस्तों हमने यहाँ पे टी लगा के एक पॉइंट आगे और बना दिया, इधर एक्स्ट्रा पॉइंट बनाया हुआ है, और दोस्तों इसको हमने बाहर की साइड में लाइन को छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन छोड़ा हुआ है हमारा। दोस्तों ये इसलिए छोड़ा कि हमने कि लाइन में जब भी कोई डाट वाट होती है तो हमारे क्या फ्लोराइड की समस्या ज़्यादा, हमारे यहाँ पे हार्ड पानी है तो उसमें तो काफ़ी समस्या आती है। तो वहाँ पे इस एंड कैप को खोलकर लाइन का हम सीधा सफाई इसका चेक कर सकते हैं, और इसलिए ही दोस्तों हमने यहाँ पे लॉन्ग बेंड यूज़ किया है ताकि पानी का प्रेशर है वो जो कचरा वचरा वो आसानी से निकल जाए बाहर की साइड में। और दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने गीजर के लिए बोर्ड बना दिया, यहाँ पे गीजर लगने वाला है, और यहाँ पे एक लैंप लगेगा, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने एक बोर्ड लगा दिया जिससे नीचे से मेन लाइन आएगा अपना, और ऊपर यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, यहाँ पे बेंड लगा के हमने
यहाँ पे इसे छोड़ दिया है जंक्शन को, यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अपना पानी का जो मोटर फिटिंग होगा वो यहाँ से होगा। मोटर फिटिंग के लिए आप देख सकते हैं, ये मोटर फिटिंग के लिए है, मोटर से पानी ऊपर सप्लाई है। टंकी में होल करने वाले हैं, तो अपना जो कोर बिट होता है उसके साथ से हम होल करने वाले हैं। ये देख सकते हैं कोर बिट अपना यहाँ पे हम होल करने वाले हैं। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो अपना होल निकालते हैं उस यहाँ पे निकालें, इससे नीचे की साइड में ना निकले, ऊपर की साइड में नहीं, जो यहाँ पे अपना जो वास्त्र होता है वो आसानी से लग जाए। अब दोस्तों आप देखें फटाफट काम हो जाएगा इससे। बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी अपना काम हो जाएगा फटाफट। इसी तरह दोस्तों अपना दूसरा होल लगा निकालेंगे। ये अपना दोस्तों पानी का जो इनलेट होगा उसके लिए, और ये आउटलेट अपना टैंक भरने के बाद में। अभी ऊपर दोस्तों टैंक अपना वाटर टैंक उसका फिटिंग हो रहा है, तो किस तरह से होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने टैंक रख दिया है, वाटर टैंक है, और दोस्तों यहाँ पे ये अपना इनलेट होगा। यहाँ पे तो हमारे पास सॉकेट नहीं है, उसका दोस्तों ये पाइप हमने जोड़ा नहीं अभी। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट इसी में कनेक्शन हो जाएगा, और इधर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। उसके आगे सादा MTA लगा के ब्रास हैंडल वाला लगा दिया दोस्तों, और आगे यूनियन लगा दिया। जब भी अगर टैंक को अलग करना हो वाल दोस्तों, कभी कभी ये कन्फ्यूज़ होता है नए प्लम्बर को कि पहले यूनियन लगाएं कि वाल लगाएं। दोस्तों पहले वाल लगना चाहिए, क्योंकि यूनियन अगर हम पहले लगा देते हैं, अगर जब अगर टंकी को हमें पाइपलाइन को अलग करना होता है तो टैंक पूरा खाली हो जाएगा, तो पहले वाल होना चाहिए फिर यूनियन होनी चाहिए। यूनियन दो कारण से लगाई दोस्तों हमने, एक तो टैंक को अलग करना हो और एक वाल चेंज करना हो। इधर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हमारा गैस पाइप यहाँ पे है, ये देख सकते हैं डायरेक्ट हमारा जो यहाँ पे लाइन जा रहा है वहाँ पे गैस पाइप है, और ऊपर अपने टी लगा के 2 फुट पाइप लगा दिए, सुंदर भी दिखता है। एल्बो भी लगा सकते हैं टी लगा के। दोस्तों आपका जो गैस पाइप होता है वो जहाँ से आपका लाइन नीचे जा रहा है वहीं से आपका ये पानी है दोस्तों, बहुत स्पीड से पानी जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इधर से दोस्तों हमने टैंक का कनेक्शन किया है। दोस्तों आजकल मार्केट में टेम्परेचर के हिसाब से भी अपना टैंक आने लगा है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें थर्माकोल है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका मोटाई देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत सारी है जो अपना टेम्परेचर होता है सर्दी गर्मी में, उसी के हिसाब से ये पानी को रखते हैं। और यहाँ पे अपना वेस्ट पानी आता है जो बाथरूम का, वो उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे होल कर लिया है, तो हमने यहाँ पे मल्टी फ्लो टैप लगाया है, वो देख सकते हैं क्यों लगाया उसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों अपना बेसिन का पाइप दे दिया हमने। तो भाई यहाँ पे कि बेसिन के पाइप के लिए हमें मल्टी फ्लो टैप लगाना पड़ा है। यहाँ पे दोस्तों इसमें 3 मुँह होते हैं, जिसमें एक में तो हमने बेसिन का पाइप लगा लिया। अगर दोस्तों पास वाले टॉयलेट में अगर इंग्लिश का होता तो एक लाइन उससे वहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पे अगर वॉशिंग मशीन होता है दोस्तों इस साइड में तो यहाँ से भी एक लाइन इसमें जोड़ सकते हैं। मल्टी फ्लो टैप का दोस्तों काम ये है कि हम उसे 3 जगह से लाइन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एक में उसका 2.5 का होता है, 2 1.5 के होते हैं। इसमें सवा का भी आता है दोस्तों, सवा 40 mm का, ये अपने पास 50 mm है, 75 mm का है देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपना टैंक में पानी भर रहा है, तो हम ये फिटिंग है वो चेक करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एंड कैप होने वाले हैं, यहाँ पे जो पानी है वो चेक करेंगे, उसको लाइन में जो भी कचरा है कटिंग हम जो पाइप कटिंग करते हैं उसके लिए। अब इसे बंद करते हैं, जो कचरा था दोस्तों वो निकल चुका है। अब दोस्तों अंदर हमारा जो टेप है उसको चेक करने वाले हैं कि इसमें कितना अच्छा प्रेशर है। यहाँ पे तार लगाओ दोस्तों, अच्छा पैसा देखो। अभी दोस्तों एयर है, अभी की टंकी पूरा भरा नहीं है, देख सकते हैं आप दोस्तों। भरने के बाद इससे भी ज़्यादा प्रेशर आएगा,